नमस्कार दोस्तों, पवन वाइक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड प्लेन्स। क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको वेक्टर चैप्टर आता है तो आपको ये आएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आप जानते हैं ऑलरेडी कि पवन वाइक्रम के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो कैटेगरी है वो है जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी। जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8, 9, 10th में है, जो अपनी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर लेना चाहते हैं अर्ली स्टेज में, जो जेईई का प्रिपरेशन करना कर लेना चाहते हैं, जो अपना एनटीएससी का प्रिपरेशन कर लेना चाहते हैं, जो जितने भर जमाने भर की जितनी एग्जाम्स हैं क्लास 10th के लेवल की, उन सब की तैयारी कर लेना चाहते हैं और साथ में अपना कोर्स भी कर लेना चाहते हैं 9th और 10th जिस क्लास में आप हो उसका भी आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तो एक कैटेगरी और काम अनेक। तो ऐसी जो हमारी कैटेगरी है वो जेईई फाउंडेशन एनटीएससी, और अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पवन वाक रेफरल कोड यूज कीजिए और अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूज माय रेफरल कोड एंड ज्वाइन अनअकैडमी। देयर आर मेनी ब्रांचेस, मेनी कैटेगरीज, देयर आर मेनी कैटेगरीज फॉर यू आल्सो, बट आई सजेस्ट फॉर योर स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ज्वाइन अनअकैडमी इन जेईई फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड प्लेन्स। लाइंस एंड प्लेन्स का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए एक ही बताना चाहूंगा मैं आपको कि पूरा बेसिक का बेसिक आपको इसमें करना है। बहुत सारी बेसिक चीजें मैं करवाने वाला हूँ, है ना, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसमें बता दूं आपको कि सबसे पहले वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हम जो है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पर करने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही आज के ही पार्ट में हम ये सीखेंगे, जिसमें पासिंग थ्रू, ओके, लाइन के लिए अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल टू अ वेक्टर, ये हम करने वाले हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ये दो चीजें हम करने वाले हैं ना। एक लाइन है, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से वो जा रही है, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, और एक वेक्टर के पैरेलल भी है। हम उसकी उसके बारे में बात करेंगे, हम उसकी वेक्टर की उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, उसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकालेंगे। साथ ही में हम एक लाइन जो देख रखी है, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, एक लाइन जो है वो टू पॉइंट हमने किया था ना, हमने जैसे लाइन के लिए हमने किया था कि हम लिखते थे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते थे, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिखा करते हैं y is equals to mx plus c, ये आपने किया था, है ना। फिर हम इसमें टू पॉइंट फॉर्म किया करते थे, हम इसमें हमने जो अलग अलग जो सारे फॉर्म हमने किए इसके अंदर, है ना, वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, ये हमारा पॉइंट फॉर्म था। टू पॉइंट फॉर्म भी हमने किया, वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जो भी था पूरा का पूरा। तो हमने अलग अलग फॉर्म जो किए हैं लाइन के, अब वैसे ही यहां पर हम वैक्टर के फॉर्मेट में उसके अलग अलग फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा फॉर्म नहीं है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना, एक पॉइंट है वहां से हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं लाइन का। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये चीज भी हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये पॉइंट है, ये लाइन है, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, है ना। स्क्यू लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस मतलब कि मेरे पास में कुछ ऐसा है कि लेट से देखिए, ये एक प्लेन है मेरा, है ना, ये मेरा एक प्लेन है, ओके, ये एक प्लेन है और इससे एक लाइन जा रही है, इससे एक लाइन ये जा रही है, और एक दूसरा प्लेन इधर है उससे एक लाइन जा रही है, और दोनों अलग अलग लाइन है, मतलब दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसको कैसे बताते हैं। लेट से कि हमने ये जो बना के रखा है एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, और मैंने यहां पर एक जो है इस तरह से मैं कुछ बना लेता हूं, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं कि लेट से ये एक जो है ये मैंने क्यूबॉइड बना के रखा है, तो एक जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, एक जो लाइन है वो यहां से जा रही है, ध्यान से देखना, एक जो लाइन है वो इधर से जा रही है कुछ ऐसे जा रही है, और एक जो लाइन है वो इधर से जा रही है कुछ ऐसे जा रही है। तो अब ये दोनों लाइन देखो जरा ध्यान से, एक मिनट, एक जो लाइन है वो इधर से जा रही है, लेट से वो इस प्लेन के ऊपर है, ये वाले प्लेन के ऊपर है, और वो इधर से जा रही है, ठीक है, और एक लाइन जो है ये क्या हो रहा है, एक लाइन जो है वो यहां से जा रही है इस प्लेन के ऊपर है वो, और वो यहां से जा रही है, दिस इज द लाइन, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है, और एक लाइन जो है वो इस प्लेन के ऊपर है, ये वाले दूसरे वाले अंदर वाले प्लेन पर, और वो कुछ ऐसे जा रही है ना, वो कुछ ऐसे जा रही है, इस तरह से कुछ जा रही है। तो उन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस जो होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमको निकालना होगा। स्क्यू लाइन उनको कहते हैं, एक प्लेन में एक ऊपर एक लाइन है, दूसरे प्लेन में दूसरी लाइन है, एक इधर
एक लाइन इधर जा रही, एक लाइन इधर जा रही, ऐसी। भाई जनरल लाइन क्या होती है, जनरल लाइन क्या होती है, लाइन एक तो या तो पैरेलल होती है ना, लाइन्स आर क्या होती है, लाइन्स के बारे में अगर हम बात करें तो लाइन्स आर पैरेलल और लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दो ही तो चीज हमने सीखी है ना। हम ये सीखे सीखे, हमने एक प्लेन के बारे में बात की थी, अब एक अलग प्लेन में एक अलग लाइन है, दूसरे अलग प्लेन में एक अलग लाइन है, और उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हम आगे सीखने वाले, उसको डिटेल में बताने वाला हूँ। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, आपको पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये लाइन पैरेलल है, अब इनके बीच का डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। साथ ही में हम क्या करने वाले, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अब प्लेन के बारे में बात करके रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन में, अरे ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम क्या करने वाले हैं कि लेट मी इरेज दिस पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसको भी करते हैं, एक मिनट में रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर लूं क्योंकि सब चीजें आपको बतानी है मुझे, ठीक है। हाँ जी, अब हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम क्या करेंगे, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, एक पॉइंट है उससे एक प्लेन जा रहा है ना, ये प्लेन इससे होके जा रहा है और परपेंडिकुलर टू द लाइन, ऐसा कुछ है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स, ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, अ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, मतलब एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है और उसमें से एक प्लेन जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू प्लेन्स, दो प्लेन के अंदर से तीसरा प्लेन जा रहा है, जैसे कि अभी तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये तीसरा प्लेन ये जा रहा है, ये देखो ये काट रहे दूसरे को, ऐसा, ठीक है। तो ये एक है, तो ये सब चीजें यहां पर हम सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद में एंगल बिटवीन द प्लेन्स हम करने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। कोप्लैनरिटी ऑफ द टू लाइन्स हमको देखना है और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ये हमको देखना है। तो इतनी सब चीजें हम करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो क्या पूरा करेंगे, जी नहीं, आज पूरा नहीं करेंगे, आप 6.1 का जो बेसिक हम वो करेंगे। तो 6.1 का बेसिक क्या है भाई, अब आइए दोस्तों इस पे हम जो मेन पार्ट है, जो मेन फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। वो क्या देख रखा है, ये देख रखा है कि वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन के अंदर ये हमको देख रखा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ओके, एक पॉइंट से जा रही एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, एक वेक्टर से वो पैरेलल है, क्या देख रखा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो लेट से मेरे पास में एक लाइन, ये मैंने एक लाइन बना ली, ये लाइन एल है, ठीक है, एक लाइन, ये लाइन एल है, ओके। फिर क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ओके, लेट से यहां पर मेरे पास में एक पॉइंट है, लेट से यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, एक वेक्टर यहां पर देके रखा है वेक्टर बी जो कि इसके पैरेलल है, ए को ए ना लेके मैं यहां पर पी भी एक ले लेता हूं साथ में क्योंकि मुझे उसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। जब भी हम इस तरह से करते हैं तो हमको हमेशा यहां पर जब भी हम वेक्टर वाली बात करते हैं तो हम यहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को यहां बना लो, यहां वाई एक्सिस बना लो और यहां जेड एक्सिस बना लो, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है और ये ओरिजिन है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अभी ध्यान से देखना, यहां पर हमको क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, एक पॉइंट है उसका, ओके, जिससे वो पास हो रही है एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, पैरेलल है यहां पर, एक पैरेलल वेक्टर है, क्या है यहां पैरेलल वेक्टर हमारा ये है, दैट इज वेक्टर बी, ठीक है। यहां जो दे के रखा है ना उसको लिख लो पहले, यहां दे के रखा है कि एपी जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी की। हमने जब पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट किया था तो हमने पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज की थी, आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनको हम उनके स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है या तो इक्वल होंगे या स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एपी वेक्टर जो है वो लैम्डा बी के इक्वल होगा। लैम्डा क्या है यहां पर, लैम्डा एक स्केलर है, ठीक है, लैम्डा एक स्केलर है, ठीक है, स्केलर नंबर है, हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है तो अब मुझे एपी की वैल्यू निकालनी, एपी क्या होगा, हमने अभी तक देखा था, देखो हमने ऐसा कुछ किया था ना, हम पहले ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे ना कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ये यहां पर आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है,
ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ज्यादा इधर आ गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर लेता हूँ, उसे दूसरी जगह कर लेते हैं, यहाँ बता देते हैं आपको, ये वाले पार्ट में यस यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ एक पॉइंट मेरा मेरे पास में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, मुझे अगर ए बी निकालना है तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू लेके मैं ओरिजिन से लेके मैं ओ इसको निकालना जब होता था तो मैं ओ बी माइनस ओ ए लेता था, याद है आपको, अगर मुझे ए बी निकालना है, अगर मुझे ये ए बी निकालना है तो मैं इसको लिखता था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, यस। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी को मैं इसको लिखूंगा ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ये लैम्डा भी ऐसा कैसे है ना, ओपी कितना है यहाँ पर, ओपी हमें पता नहीं है, एक काम करो इसको ज्वाइन करो, उसके बाद में आप इसको भी ज्वाइन करो और ओपी को एक नाम दे दो यहाँ पर, है ना, ये इसको आर वेक्टर कर दो, इसको ए वेक्टर कर दो, आर हमेशा लेना, ठीक है, ये जो पॉइंट हम लेते हैं इसका जो हमेशा आर आपको लेना है, तो आर आपने इसको ले लिया, माइनस ए वेक्टर ले लिया और ये आपका लैम्डा बी वेक्टर हो गया, तो आर इसके इक्वल आए, ए को सेट भेज दो, दैट इज ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपका मेन इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं किया मैंने कि बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि भैया ये लाइन, ये एपी जो है ये बी के पैरेलल है, ये एक पॉइंट ए है यहाँ पर, एक पॉइंट पी मैंने लेके रखा है, पी मेन पॉइंट है जहां से वो जा रहा है, तो एपी को मैंने बताने के लिए इसको ओपी माइनस ओए से बताया, जो कि हम पहले वेक्टर में कर ही रहे थे, ठीक है, और वैसा करके फिर मैंने क्या कर दिया इसको, इसको मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए को मैंने भेज दिया, तो मेन ये इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब यही चीज है ना, आपको आगे ये जो थ्योरम है हमारा 6.1 थ्योरम, इसके अंदर देखे रखिए, 6.1 थ्योरम क्या बोलता है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी इज आर, ठीक है, इस आर इज इक्वल टू देके रखा है, और वही है ये ए प्लस लैम्डा बी जो हमने निकाला अभी, तो ये बुक के अंदर आप देखोगे तो आप आपको चुटकी बजाते करते आएगा, ये सारा आप कर लोगे, कैसे कर लोगे, भाई देखे रखा, वही देखे रखा कि एल बी ए पॉइंट, मैंने हम भी एक एल ही लिया था, देखो हमने एल लाइन लेके रखी, एल बी ए पॉइंट पासेस थ्रू द पॉइंट ए, ए से जा रही थी पैरेलल टू द वेक्टर बी, और अगर पैरेलल है एपी, अगर पैरेलल है एपी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एपी इज इक्वल टू लैम्डा बी, फिर एपी के लिए ओपी माइनस ओए लिखेंगे, आर माइनस ए वेक्टर इधर से लिया, और ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, जो बुक में दिया होता है ना उसको एक बार देख लिया करो, है ना, मैं जो आपको बताता हूँ बेटा, मैं जो आपको बताता हूँ बुक का जो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए भी मैं बताता हूँ कि पता तो हो कि एक बुक में क्या देके रखा है, मैं जो बता रहा हूँ ठीक है ना। अब इसी के आगे एक्टिविटी एक देके रखी है, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एनी थ्री पॉइंट्स ऑफ दिस ऑन दिस लाइन, है ना, इनके पोजीशन वेक्टर लिखना है, आगे क्या देखे रखा है, रिमार्क देके रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा देख लो, ये क्या बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, आर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज कॉल्ड अ नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन, ये सब देखे रखा, आपको पता होना चाहिए कि नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आगे मैं लेके चलता हूं आपको इसी के अंदर, यहां पर आपको अगला जो पार्ट लेके रखा है वो जो है ना उसको समझ लेना है आपको, अभी जो मैंने आपको बताया वो वेक्टर फॉर्म बताया, मैंने क्या बताया आपको ध्यान से देखिए, मैंने यहां बताया कि एक लाइन है, एक वेक्टर है, वेक्टर बी है ना, मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर बी है जो एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए है, मैंने यहां एक पॉइंट पी लेके रखा था, और इसका अभी हमने जो किया है वो वेक्टर फॉर्म किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाता हूं, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म भैया हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझने करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते थे हम, तो एक्स वाई के फॉर्मेट लेते थे, यहाँ तीन एक्सिस है तो यहाँ हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे, तो इसको मैं अगर उस फॉर्मेट में चेंज करूं, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूं, तो कैसे चेंज करूंगा, ये कैसे वो आएगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, मैं ये भी बता दूंगा कि वो आया कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो वेक्टर आर है यहाँ पर, पी आर है, पी का कुछ वैल्यू होगा, ए का कुछ वैल्यू होगा, ए की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में ए क्या है, लेट्स से मेरे पास में ए क्या है, वेक्टर ए की अगर मैं बात करता हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो है एक्स वन वाई वन और जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन, सॉरी एक्स वन वाई वन एंड जेड वन है मेरे पास में ए के कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई पूछे तो, ठीक है। और अगर मैं पी की बात करूं, है ना,
अगर मैं पी की बात करता हूँ, पी मतलब मेरे पास में वेक्टर पी ले लेता हूँ, चलो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं दैट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और अब मेरे पास में वेक्टर जो बी है, जो मेरे पास में वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या है, ये जो देख रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं दैट इज वेक्टर बी के लिए हम ले लेते हैं, वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एबीसी, स्मॉल नहीं लेता हूं मैं क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ये इस तरह से देख रखा है। मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं इसका जो रिलेशन हमने निकाला था दैट वाज वो क्या था, वो रिलेशन हमने जो रिलेशन निकाला वो रिलेशन क्या था, वो था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इज इट बराबर। अच्छा आर जो था वो क्या था, पी वाला था, तो इसको मैं अगर इस फॉर्मेट में बदल दू है ना, ओपी वाला फॉर्मेट बदल दू, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज, इसको लिखता हूं मैं, देखिए यहां पर ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हो गई। देखो मैंने पी, पी के कोऑर्डिनेट है ना बेटा ये, तो मैं अगर इसको यहां से ज्वाइन करता हूं है ना, तो ये पी के कोऑर्डिनेट है, ये किसके कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड है, तो मैं उसको आर वेक्टर के फॉर्म में लेकर लिखता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं ए के कोऑर्डिनेट लिखता हूं, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड थे, एक्स वन वाई वन जेड वन थे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, कैप लगा लो सबके ऊपर, ठीक है, प्लस में मुझे लिखना है लैम्डा, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एबीसी है, तो इसको लिखो ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस सी के कैप, इतना आपको कर लेना है, आपने इतना कर लिया कि आपका काम हो गया। कैसे हो गया, देखो बताता हूं, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, किस साइड, मैं इसको इधर लेके आता हूं, है ना, देखो ये पूरे पार्ट को मैं इधर लेके आता हूं, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये पार्ट मेरा ऐसा कैसे, इन सबको मैं इधर लाया तो माइनस एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू ये बचेगा ए लेमड़ा आई प्लस बी लेमड़ा जे प्लस सी लेमड़ा के, कैप लगा दो सबके ऊपर, ठीक है ना। अब जरा मैं इसको ना सॉल्व करते समय ना इनको जरा पास पास लेके आता हूं, ये दोनों को, तो मैं अगर इनको दोनों साथ में लिखूं तो ये होगा x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप और z माइनस जेड वन के कैप हो गया, इस इक्वल टू क्या हो गया, ये a लैम्डा आई कैप, ये क्या हो गया, ये हो गया a, अरे यार ये हो गया a लैम्डा आई कैप प्लस b लैम्डा जे कैप प्लस c लैम्डा के कैप, बराबर। अब जरा मैं इनको कंपेयर कर लेता हूं, अब मैं इनको कंपेयर कर लेता हूं, सिर्फ पार्ट पार्ट को कंपेयर करता हूं, तो मैं पहले इस पार्ट को आई वाले से कंपेयर किया, क्या आएगा ध्यान से देखना, ये क्या आएगा, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा, तो a को इसके अपॉन में दे दो, क्या आ जाएगा, ये होगा x माइनस एक्स वन, ये होगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, फिर अगर मैं इनको लिखूंगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी, ये भी लैम्डा होगा, फिर मैं c वाले को लिखो तो क्या होगा, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, तो देखा जाए तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है इन सबको देखकर, एक मिनट रुको मैं जरा यहां पर ना लाइन खींच देता हूं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो यहां मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो आ गया है ना मैं उसको लिखता हूं, मेरे पास क्या आ गया, देखो सबके सब लैम्डा के इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, मेरे प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये जो है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये इसी इक्वेशन के यहां पर फॉर्मेट में देख के रखा है, ये इसी इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसका कार्टेशियन फॉर्म है ना, आपको बुक पर डायरेक्ट देख रखा है।
आपकी बुक में उसने डायरेक्ट देख रखा, देखो बुक में डायरेक्ट देख रखा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो एबीसी, यहाँ जो हमने एबीसी निकाला था, ये एबीसी यहाँ क्या, ये एबीसी डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए दैट इज एक्स माइनस एक्स वन इज अपॉन ए इज इक्वल टू वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। तो ये उसने यही चीज आपको करके दी है, ये डायरेक्ट है लिख के रखा है, हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है ना, इसने क्या बोल के रखा है कि लाइन एल डायरेक्ट, मतलब इसने अलग मेथड से करके रखा है, वही चीज है कि एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन पॉइंट ए विच इज एक्स वन वाई वन जेड वन एंड द डायरेक्शन रेशियोज आर एबीसी, और क्या बोलता है पी के कोऑर्डिनेट्स देके रखे एक्स वाई जेड, बी द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द लाइन एल अदर देन ए, फिर क्या बोलता है डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, तो आपको क्या करना है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मैंने यही चीज आपको अलग तरीके से करके बताई है, मैंने ये चीज अलग तरीके से करके बताया, आपके बुक में ऐसा नहीं दिया, आपकी बुक में ऐसा दिया है, आप ऐसे करो। तो ये जो देख रखा है ये हमारी जो है इट इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है समय समय पर इस चैप्टर में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही चीजें हैं बस। उसने रिमार्क में देख रखा, देखो उसने वही चीज देख रखी है कि बी को आपने ये लिया है ना, ए वन, देखो बी को क्या देख रखा है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, देन ए वन बी वन सी वन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, देखो इसने बी के लिए लिया, देखो ध्यान से इसने यहां पर बी के लिए क्या लिया है, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये ध्यान से देखना, इसने इसको ए वन बी वन सी वन लिया है बी के, इसको हमने बी को क्या लिया था, हमने बी को कैपिटल एबीसी लिया था, देखो बी को हमने क्या लिया था, बी को हमने कैपिटल एबीसी लिया था, ध्यान से देखना हम जो कर रहे हैं ना उसको जरा ध्यान से देखना है, तो अदरवाइज कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाए, है ना। हमने बी को यहाँ पर कैपिटल एबीसी लिया था और इसे बी बी को यहाँ क्या लिया है ए वन बी वन सी वन लिया, तो ए वन बी वन सी वन उसके अपॉन में चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये इक्वेशन यहाँ पर इसने देखो लिख के रखा है कि एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म भी इसको कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। एंड द इक्वेशन ये जो देखे रखिए एक्स इज इक्वल टू ये पार्ट है, इतना पार्ट मतलब तीन इक्वेशन है, ये कौन सी तीन इक्वेशन है, ये वाली, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कैसी, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्बडा ए, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्बडा बी और z इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्बडा सी, ये जो देके रखा है ये आपके पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब आपको सिंपल सी बात है, दो बातें हमने सीखी है, हमने इसमें दो ही चीजें सीखी है, क्या सीखा है, हमने सीखा है कि r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी, ये पहला फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है, और इससे हमने कार्टेशियन फॉर्म क्या निकाला x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, जिसमें अब ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है और ये इनके कोऑर्डिनेट्स है। अब ये आपने एक्स वाई जेड निकाला, अच्छा यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड क्या था, अगर देखा जाए तो जो बुक में देके रखा है इसने एक्स वाई जेड किसके पॉइंट लेके रखे, इसने पी के पॉइंट लेके रखे, पी एक्स वाई जेड है, और यहाँ जो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने निकाला तो ये एक्स वाई जेड हमने निकाला, तो ये किसके पॉइंट हो जाएंगे, ये पी के पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, The coordinates of the variable point P are, ये जो हमने एक्स वाई जेड पी के coordinates क्या थे, P के coordinates एक्स वाई जेड थे, तो x को हमने लिखा x1 plus lambda a, y को लिखा हमने y1 plus lambda b और z को हमने लिखा z1 plus lambda c, ठीक है। आगे देखे रखा है corresponding to each real value of the lambda is one point of the line and conversely corresponding to the each point of the line there is a unique real value of lambda, देखो हर जगह पर जब हम दो वेक्टर को लेते हैं तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो भाई हम उसको उसके स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर के वो हमेशा लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, जैसा वेक्टर होगा वैसा, ठीक है। और बाकी आगे क्या देके रखा है, आगे देके रखा है व्हेन एवर वी राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म हमने अभी बताया आपको, सिमेट्रिक फॉर्म कौन सा था, देखो ध्यान से, सिमेट्रिक फॉर्म हमारा ये वाला था, ये फॉर्म हमारा सिमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है हमको कि whenever we write the equation of a line in the symmetric form, it is assumed that none of ABC is zero. एक बात ध्यान रखना, symmetric form जो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये जो symmetric form लिखा है, इसके अंदर A, B और C ये zero के equal नहीं होंगे, A, B और C ये जो होंगे ना, they are not equal to zero. क्यों? यार zero upon में आ जाएगा तो फिर तो not defined हो जाएगा, तो zero जब भी कोई number upon में आता है तो zero के equal नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर ABC जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे, वही चीज देख रखिए, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो देन वी राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
इन द पैरामेट्रिक फॉर्म नॉट इन द सिमेट्रिक फॉर्म. अगर कोई एक जीरो हो गया तो हम उसको फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे. सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने का एक तरीका इसने बता के रखा है. ये पी की वैल्यू देके रखी है, एक्स वन लेमड़ा लेमड़ा ए बी सी जो था उसने उसको बदल दिया एलिमेंट करके रखा है. ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट, यहां पर क्या बोला, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है और डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है ना. एबीसी को एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया इसने यहां पर, है ना. तो अगर आपको जो आपके पी के कोऑर्डिनेट्स है, जो पी के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे लिख रहे हो कि एक्स वन प्लस लेमड़ा ए, वाई वन प्लस लेमड़ा बी, जेड वन प्लस लेमड़ा सी, लेकिन आपको ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियोज है, अगर ये डायरेक्शन रेशियोज की जगह आपको डायरेक्शन कोसाइन लगाना है, एलिमेंट लगाना है, तो आप यहां पर एलिमेंट लगा के दिया. देखो यहां एलिमेंट लगा के दिया, लेकिन है ना उसको उस फॉर्मेट में लिखना है फिर आपको. ठीक है, यहां इस फॉर्मेट में आपको देख रखा है कि एल एम एन लगा के रखा है. क्या है वो, पी विल बी एक्स वन प्लस लेमड़ा आई, वाई वन प्लस लेमड़ा, वाई वन प्लस लेमड़ा एम एंड जेड वन प्लस लेमड़ा एन, ये देख रखा है. ठीक है, तो यहां अलग अलग इसके फॉर्म देख रखे, पैरामेट्रिक फॉर्म देख रखे. हमको क्या करना है, हमको दो ही चीजें यूज करना है. बुक में बहुत सारा देख रखा है, तो इतनी सब चीजें हमको नहीं करना है. हमको जो बेसिक बेसिक चीजें वो समझ लेना है और इसको एक बार पढ़ लो. इसके अंदर जो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो अलग से लिख लो, है ना. जो मेन मेन चीजें आपको लिख लेना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे इसमें क्या आने वाला है, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, है ना. अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आने वाला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. दो पॉइंट से एक इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो दो पॉइंट से होके जा रही है. ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. तो लेट्स से मेरे पास में एक लाइन ऐसी है, ठीक है. इस लाइन के ऊपर कुछ मैं पॉइंट ले लेता हूं, दो. मैं एक पॉइंट ए ले लेता हूं, एक पॉइंट में बी ले लेता हूं. यहां मैं क्या करता हूं, हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेता हूं. ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये जीरो है, है ना. ये हमने कर लिया. इतना करने के बाद में हमको क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट पी भी ले लेना है, यहां पर एक पॉइंट पी ले लेना है. ठीक है, हमेशा की तरह. अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको ज्वाइन कर लेता हूं, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, सॉरी मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं ओ से, फिर मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं और मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं. जरा ध्यान से देख लेना कि जब ये ऐसा आएगा तो क्या होगा. यहां पर हम जो लिख रहे हैं, यहां हम जो लिख रहे हैं, ये वेक्टर ए होगा, ये आपका वेक्टर बी होगा और ये आपका वेक्टर आर होगा. ठीक है ना, ये आर होगा. अब यहां क्या देख रखा है कि देयर आर टू पॉइंट्स. ओके, एक लाइन है जिस जो दो पॉइंट से होकर जा रही है. टू पॉइंट फॉर्म जो हमने पहले किया था, ये दो पॉइंट से थी. तो यहां पर हम वेक्टर के फॉर्म में इसको कर रहे हैं, तो वेक्टर के फॉर्म में करते हैं. हम क्या करेंगे कि यहां मुझे एक बात बताओ कि एपी, अगर मैं बात करता हूं कि हियर हियर ए पी बी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है या नहीं है बताओ मुझे. बिल्कुल है, तीनों के तीनों क्या है, ये कोलिनियर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है. और अब अगर ये एबीसी जो है हमारा, अगर ये कोलिनियर है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि एपी वेक्टर एंड एबी वेक्टर आर कोलिनियर. अच्छा, कोलिनियर होगा तो क्या होगा, फिर से वही बात. अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, मैं इन दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या. बिल्कुल लिख सकता हूं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं. एपी मेरा क्या आएगा, आर माइनस ए आएगा. ये क्या आएगा, आर माइनस ए आएगा. ठीक है, ओपी माइनस ओ ए हम करेंगे और लेमड़ा का लेमड़ा. ए बी क्या आएगा हमारा, बी माइनस ए आएगा. तो बी माइनस ए कर लो, कोई डाउट किसी को. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी माइनस ए वेक्टर. तो ये दिस इज द इक्वेशन, ओके, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन Which is passing through two points. तो ये इस तरह से इसको करना है. यही चीज आपको आगे जो आगे के कॉन्सेप्ट में आपको देखे रखी है आपकी बुक में. अगर आप आपकी बुक उठा के देखते हो तो आपको ये देखने को मिलता है. ये देखो, ये बुक में आगे थर्ड 6.3 थ्योरम देके रखा है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए. ओके, जहां पर आर देके रखा है, आर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लेमड़ा बी माइनस ए. ये वही चीज उसने एक्सप्लेन करके दी है हमको, जो बिल्कुल मैंने आपको बताई है. इसमें एक और चीज रिमार्क में ये चीज देके रखी है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके साथ में r माइनस ए इंटू बी करके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना. तो ये एक अलग फॉर्म है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसा बोल के रखा है. तो ये प्रूफ जो है, ये प्रूफ अगर कोई पूछ ले आपको 2-3 मार्क में तो आपको करते आना चाहिए. तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको सिंपल वे में बताया, ये सिंपल वे में प्रूफ है कि a प्लस लेमड़ा बी माइनस ए. जैसे हमने पहला वाला किया ना कि एक लाइन
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, वो पहला था, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ये दूसरा है, ठीक है। और उसका हमने कार्टेशियन फॉर्म किया था, अब इसका भी कार्टेशियन फॉर्म हमको करना है, इसका भी कार्टेशियन फॉर्म करना है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, क्या आएगा वो भी हम देखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म हम लाएंगे कैसे, इसका ये जो देके रखा है इसका हम कार्टेशियन फॉर्म लाएंगे कैसा, ये क्या है हमारा, ये है आर इज इक्वल टू ए, ये क्या देके रखा है, ये देके रखा है हमको दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। अब क्या करो, इसके अंदर हमारे पास में जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को हमको आर ए और बी की वैल्यूज चाहिए, तो आर अगर मैं ले लेता हूं, अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, दैट इज आर जो है हमारा वो मैं ऐसा ले लेता हूं कि ए आई कैप प्लस ए नहीं एक्स लेते हैं इसको, इसको क्या लेते हैं हम एक्स लेते हैं, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए को हम ले लेते हैं दैट इज ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और एक b को हम ले लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर ये वैल्यूज उठाकर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आता है देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा यहां आ जाएगा, दैट इज x1 सॉरी x आएगा x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, ये मैंने आर की जगह लिख दिया, ए वाला वैल्यू अब ये है तो ए वाली वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप और जेड वन के कैप प्लस लैम्डा में, है ना, लैम्डा में आपको बी माइनस ही दिया, तो बी क्या है आपका, बी आपका ऐसा है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं थोड़ा सा मिला के, एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे लिख लेते हैं, इसको मिला के लिखता हूं मैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, है ना, मिला के लिख देते हैं, ये मिला के लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं, इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरा x किसके इक्वल आएगा, देखो ध्यान से x किसके इक्वल आएगा, मेरा x इक्वल आएगा, देखो ये भी आए वाला है ये भी आए वाला है, x मेरा इक्वल आएगा x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 के, बराबर, देखो x मेरा इक्वल आएगा x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 के, ओके, मेरा y किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल होगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 के, मेरा z किसके इक्वल आएगा, z को मैं बाद में लिखता हूं, z को हम इसके हिसाब से लिख लेंगे, वो बनाते आएगा आपको। अब देखो मैं अगर इसको इधर कर दूं तो ये होगा x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, तो ये इसके अपॉन में चले जाएगा, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपका लैम्डा का एक वैल्यू आया, वैसे इसको करोगे तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1, ठीक है, तो इसको मैं इसके अपॉन में डाल देता हूं बेटा, तो y माइनस y1 आपका आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की दो वैल्यू है, तो z क्या होगा, तो हमारे यहां पर हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपके जो है टू पॉइंट फॉर्म आएगा, है ना, ये टू पॉइंट फॉर्म आएगा आपका, ठीक है, ऐसे इसको करना है, मुझे लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये कि ये ऐसा ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे इसको करना है। अब आपको बुक में देके रखा है बच्चों, इसने बुक में आपको ये देके रखा है, इसको एक्सप्लेन करके दिया ऐसा कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, तो उसको क्या लिखेंगे हम, ये देके रखा है आपको, सिंपल सी बात है ना, आपको जो देके रखा है वो आपके सामने है, ये चीज आ गई आपके सामने, और यही तो मैंने आपको करके बताया, अभी मैंने जो करके बताया यही है, यही आपको करके बताया था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1, और वही चीज है यहां पर, ठीक है, तो यही वो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन बोला तो पॉइंट्स आएंगे x y z, ओके, और वेक्टर बोला तो वेक्टर फॉर्म में आएगा, है ना, तो हमने क्या चीजें सीखी, हमने चार ही चीजें सीखी है, हमने यहां पर चार चीजें सीखी, पहला क्या सीखा, पहला सीखा r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b,
दूसरा हमने इसका ये कार्टेशियन फॉर्म सीखा x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है, c नॉट c1, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने तीसरा क्या सीखा, हमने सीखा r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, ठीक है। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म हमने क्या सीखा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दीज आर द फोर थिंग्स, बस इतने के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना दोस्तों। यहां पर हमारा पूरा बेसिक कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.1 का। मुझे लग रहा था कि मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट मुझे पर्सनल लगता है कि बेसिक का पार्ट हम अलग रखें और एक्सरसाइज अलग करें। तो आपको एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिलेगा, अगला वीडियो मतलब वो आज ही आपको मिलेगा, है ना। शाम तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा, है ना, क्योंकि उसको अलग से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे फोन वाई अकेडमी, धन्यवाद।